नमस्ते, आप सभी को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल तसोंग पानोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज 2024 का पर्स फिशिंग ब्लॉग बनाने जा रहा है मैं, और हर बार आप मेरा फिशिंग ब्लॉग में देखा है मैं बेट फिशिंग ही करता है। आज फर्स्ट टाइम आप सबके लिए मैं ब्लैक चिकन का इंटेस्टेंट से मसीर का फिशिंग करके दिखाएगा। कास्टिंग के लिए एक्चुअल रोड ये है, कास्टिंग का पैंटोम स्नीपर बहुत दूर तक इससे कास्टिंग कर सकेंगे। और कास्टिंग के लिए रील जो है, जो पहले पूछ रहा था, ये पेन बेटल ट्री 5000 DX, आपका एनी टाइप ऑफ लूर जो है इससे आप आराम से स्पिनिंग कर सकते हैं, और बहुत दूर तक ये रॉक का साथ में ब्रेडेड लाइन होना है। लेकिन आज ऐसे नहीं करेगा, आज जैसे मैं शुरू में ही बोला बेट फिशिंग ही करेगा बोल के। तो एक्चुअली बोलने से जो इससे छोटा रेंज का है उससे कास्टिंग नहीं कर सकते, उसमें हैवी जितना भी ये है ब्रेक सिस्टम में आपका लोड जो है ज़्यादा लग जाएगा। तो एक्चुअल में बोलने से 5000 से लेके जो है आपको कास्टिंग के लिए रील होना चाहिए। दूसरा रोड है शेक्सपियर अगली स्टिक, बहुत बढ़िया रोड है लेकिन कॉस्टली भी है, पेंटोम स्नाइपर से ये ज़्यादा है। लेकिन कास्टिंग करने के लिए ये रोड को मैं पहले भी आप सबको बोला, इसको रिकमेंड नहीं करता है। रिकमेंड क्यों नहीं करता, ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इससे आप कास्टिंग करने से आपको सुविधा नहीं होगा, और लॉन्ग कास्ट बिल्कुल नहीं होगा इससे, ऐसे टूटेगा तो नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। पेन बेटल ट्री 4000 हाई स्पीड, एक्चुअली ये बेट फिशिंग के लिए छोटा छोटा नदी में, और छोटा सा जब स्पिनर यूज़ करता है उसके लिए है, इससे हैवी ड्यूटी नहीं होगा। लेकिन लास्ट टाइम मैं तेजू में लोहित रिवर में परशुराम पुल से इससे 5.5 केजी वाला एक तो चॉकलेट मसीर निकाला था, तो उस समय में इसका जो ड्रैग सिस्टम को हम मालूम हुआ कि बड़ा मछली के लिए ये नहीं है, और ये एक्चुअल इसका प्राइस है 12,500, और जो दूसरा वाला देखा है जो पहले देखा है उसका 16,500 है। आज का पार्स केस ये है कोपर मस्कर, कोपर मस्कर कोपर है, ये कोपर है डिपॉजिट जिग के। इतना भरा नहीं है, चिकन इंटरेस्ट में आपको नहीं पता, लेकिन
न्यू ईयर का ये फर्स्ट केस होगा कपर मसीर। बहुत बढ़िया सुंदर चिकन इंटेस्टाइन में तो नहीं लगा है। एक के जी कमाया है, एक के जी नहीं होगा। तो न्यू ईयर का पार्ट्स केस है ये, और फिशिंग ब्लॉग बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन मछली नहीं है। तो जितना भी मेरा व्यूअर्स है जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखते हैं ब्लैक चिकन इंटेस्टाइन में लगने से तो बहुत बड़ा लगेगा होगा, बहुत बड़ा वाला लगेगा।응, 온가 아마. 와. 아스카, 내 세컨드 피스. কোপন নাই, মেথুন খাই আছে, মেথুন মাংস খাই আছে, বহুত ধুনীয়া এইটো, এইটো বহুত ধুনীয়া। আৰু এনেকৈ কেমেৰা তললে পৰা খিৰিকীটো কাৰণে পোহৰ আহিছে, মচুন্দৰী কিবা কিবি ঢালি ৰসুন আদা ঢালি ইয়াক মই বেলেগ বনাই দিম। এইটো সবেই খাব, খোৱা মানুহেও খাই যাব। এইটো ইহঁতৰ লোকেল ট্ৰেডিচনেল আছে, সকামত এইফালে দেখাইছে তেনেকে খোৱা। এইবোৰ আলহীয়ে খায়, ঘৰৰ গোটেই বংশৰ মানুহখিনিয়ে এইবিলাক গোমধান এয়া মেথুন শুকুৱাই থৈছে। এয়া এয়া আমি মাছ ফ্ৰাই খাই আছোঁ। ब्लैक चिकन इंटेस्टाइन का आप सब देखा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अभी नेक्स्ट फिशिंग ब्लॉग इससे करेगा। और ये हमारा यहाँ से सबसे टेस्टी वाला मछली है, ये बॉटम फीडर है मोपी है। और यहाँ में हिमालयन ट्रोट है ये, और यहाँ में फिर दूसरा टाइप का ये मछली है मोको। ये सबको गोल्डन मछली बहुत पसंद करता है। तो इससे आप सबको अभी कल पकड़ के दिखाएगा, गोल्डन मछली हो या चॉकलेट मछली हो, इसको तो अभी खाएगा। सबसे टेस्टी वाला इस जिसका पेट को नहीं देखता है, हम लोग को यहाँ में जो लोकल वेराइटी मछली मिलता है इतने से भी ये सब अवेलेबल नहीं है। प्योर ऑर्गेनिक, बहुत लोकल, ये भी प्योर लोकल है, इसको तो खाएगा। ये इल्फिश बहुत टेस्टी है। और यहाँ में देखा ये सब चॉकलेट मसीर है।